Good morning students, this video is from the chapter factorization, and in the previous videos of this chapter we have discussed three type of factorization. सबसे पहले क्या डिस्कस किए थे, factorization, finding out the common, binomial या फिर monomials दिया हुआ होता था उसमें आप common निकालते थे, ठीक है. And after that we discussed about ए फॉर्मूलाज या क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, इन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन डिस्कस किए. फिर जो नेक्स्ट पार्ट आया वो था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन डिस्कस किया गया, फैक्टराइजेशन किया गया. एंड टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, एक और चीज़ बोला जाएगा, डैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी इसको बोला जाता है. तो जैसे ये दिया हुआ है x square plus 8x plus 15 है, तो जिसमें इसमें आप देखिए कि x square जो है वो x का square है, वो x का square है, लेकिन ये जो 15 है, 15 तो किसी का square है नहीं, ठीक है, 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे सेट नहीं करेगा, ठीक है. तो इसको क्या कीजिए, ये आप a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आप नहीं बना सकते, ना ही इसमें आप कॉमन निकाल सकते हो. तो जब ये ना ही कॉमन निकल रहा है, ना ही आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, किसी फॉर्मूले पे जब सेट नहीं करे, तो उस समय ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का काम करे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 15 है, ठीक है. लास्ट में क्या है, 15 है, 15 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए. प्राइम फैक्टराइज किए, 15 क्या आया, 3 times 5, 15 का क्या आया आपका 3 into 5, मतलब दो नंबर्स में ब्रेक हुआ 3 और 5 में. अब देखिए इसके जो साइंस हैं, इनमें जो साइन है उनको बहुत ध्यान से देखना है. जैसे यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है, 15 के पहले प्लस साइन है, तो नंबर्स को आपको ऐड करना है. अब नंबर्स कौन से नंबर ऐड होंगे, अब ये जो 15 को आप ब्रेक किए हो, दो नंबर्स में ब्रेक हुआ, उन्हीं नंबर्स को आपको ऐसे अरेंज करना है कि ऐड करने पे प्लस 8 आ जाए. ध्यान से सुनिएगा, 15 है, 15 को हम प्राइम फैक्टराइज किए, प्राइम फैक्टराइज करने पे क्या आया, 3 और 5, ठीक है. नंबर को ऐड करना है, यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो नंबर को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या लाना है आपको, प्लस 8x लाना है. तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो 3 और 5, ये तो क्लियरली दिखता है, 3 और 5 जोड़ने पे 8 आ जाएगा. तो हम क्या यहाँ पर लिख दिए, एक यहाँ पर लिखे 3x और यहाँ पर लिख दिए 5x. 8x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, 3x और 5x में, ठीक है. जैसे यहाँ पे 15 को ब्रेक किए थे ना प्राइम फैक्टराइज के, तो 3 और 5 आया था, तो 3 और 5 ऐड करने पे आपका 8 आ जाता है. तो हम क्या किए, 3x और 5x में ब्रेक कर दिए, और ये आपका लास्ट में प्लस 15, 8x क्या में ब्रेक कर गया 3x और 5x में. अब जो पहला दो टर्म है उन दोनों टर्म में कॉमन निकाल दिए. पहला दो टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर और 3x, इसमें क्या कॉमन आया, x कॉमन आया. जब पहले दो टर्म्स में x कॉमन आया, अब एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर में x बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, बीच में प्लस का साइन, 3x में x बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, ठीक है. प्लस 5x प्लस 15, इन दोनों में क्या कॉमन निकाले, 5 हम कॉमन निकाले, प्लस 5 कॉमन निकाले, 5x में से 5 कॉमन निकला तो क्या बचा, x बचा, और 15 में से 5 जब बाहर निकले तो क्या बचा, प्लस 3 बचा, ठीक है. यही होगा ना, 5x और 15 में से हम प्लस 5 कॉमन निकाले, तो प्लस 5x में से अगर 5 बाहर आ गया तो यहाँ बचा, x बचा, और प्लस 15 में से 5 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 3, तभी तो 5 into 3 15 आएगा. अब देखिए ये जो दो टर्म्स आए हैं, इन दोनों टर्म में फिर क्या कॉमन आपको दिखता है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ये दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिखता है, एक्स प्लस 3 कॉमन दिखता है. एक्स प्लस 3 कॉमन निकाले, बचा क्या, पहले टर्म में अगर एक्स प्लस 3 बाहर निकल गया तो पहला क्या बचा, एक्स बचा, और दूसरे टर्म में एक्स प्लस 3 बाहर निकल गया तो क्या बचा, प्लस 5 बचा, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन, जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है. तो क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो लास्ट नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या है, 2 और 3 आया, तो 6 क्या में ब्रेक हुआ, 2 और 3. अब यहाँ पे प्लस साइन है ना, प्लस है, डैट मीन्स आपका जो नंबर्स जो ब्रेक हुए हैं उन नंबर्स को आपको ऐसे अरेंज करना है कि ऐड करने पे 5x आना चाहिए. तो ये क्लियरली दिखता है, 2 और 3 को हम ऐड कर दें तो 5x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x,
फाइव एक्स को क्या ब्रेक कर दिया, टू एक्स और थ्री एक्स में, क्योंकि यहाँ पर टू और थ्री आया था, इजिली दिख रहा था, टू और थ्री ऐड करने में फाइव आ जाता, और यहाँ पे क्या हुआ प्लस सिक्स लास्ट में। पहले दो टर्म में कॉमन निकाले एक्स स्क्वायर और टू एक्स में कॉमन निकाले, तो क्या मिला कॉमन एक्स निकला। जब इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन निकालिए तो यहाँ पहले टर्म में क्या बचा एक्स बचा, और दूसरे टर्म में टू एक्स में से एक्स बाहर निकलेगा तो क्या बचा टू बचा। अब इन दोनों टर्म में प्लस थ्री कॉमन निकलेगा, एक्स तो है नहीं, आपका वेरिएबल का पार्ट है नहीं, तो नंबर का पार्ट ही कॉमन निकलेगा। थ्री और सिक्स में क्या कॉमन आया थ्री आया, तो थ्री एक्स में से थ्री बाहर आ गया तो क्या बचा एक्स बचा, और सिक्स में से थ्री बाहर आया तो क्या बचा प्लस टू, तभी तो थ्री और टू मल्टीप्लाई होकर सिक्स आया होगा। अब इन दोनों टर्म में देखिए, इन दोनों टर्म में एक्स प्लस टू कॉमन है, तो हम एक्स प्लस टू कॉमन निकालिए। पहले टर्म में क्या बचा, जब एक्स प्लस टू इस टर्म में से एक्स प्लस टू बाहर आ गया तो पहले टर्म में क्या बचा एक्स बचा, और दूसरे टर्म में एक्स प्लस टू बाहर आ गया तो क्या बचा प्लस थ्री बचा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर। ठीक है, इसको क्या कीजिए मिड टर्म स्प्लिट, पहले इसको क्या कीजिए फैक्टर्स में ब्रेक कीजिए। 24 को अगर हम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा 2, 12, 2, 6, 2 और 3। तो 24 क्या मैं ब्रेक कर गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए, पहले जो दो क्वेश्चंस थे उसमें जो नंबर था, जो लास्ट का नंबर था, दो ही नंबर्स में ब्रेक करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ 24 जो है लास्ट का जो नंबर है वो बहुत सारे नंबर्स में ब्रेक कर गया। अब क्या करना है, यहाँ पे तो प्लस साइन है मतलब ऐड तो करना ही है, यहाँ पे प्लस साइन है मतलब ऐड करना है, और ऐड करके कितना लाना है 10 लाना है, और दो ही नंबर को ऐड करके 10 लाना है। अब नंबर्स का अरेंजमेंट कीजिए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6। तो 4 और 6 जोड़ने पे आपका 10 हो जाएगा। फिर से एक बार इस बात पर समझ लीजिए, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, मतलब नंबर्स को तो ऐड करना ही है। अब जो 10 है उसको दो ही पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, दो ही नंबर को ऐड करके 10 लाना, ऐसे नहीं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 कर दिए और हम नंबर्स को ले आए। अगर ऐसे रखते हो तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, ऐसे तो रख नहीं सकते, मतलब दो ही नंबर रखना। जैसे कैसे ये 5x, 2x और 3x में ब्रेक हुआ, यहाँ पे 8x, 3x और 5x में ब्रेक हुआ, वैसे दो ही नंबर हो सकते हैं। तो हम क्या किए 24 को फैक्टर में ब्रेक किए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐसा मल्टीप्लीकेशन का ऐसा कंडीशन बनाएंगे कि हमको ऐसा दो नंबर्स मिल जाए कि ऐड करने पे 10 आ जाए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए क्या आया 4 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या हुआ 6 हो गया। तो 4 और 6 ऐड करने पे 10 हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24, 10x क्या ब्रेक हो गया 4x और 6x में। ठीक है, अब पहला दो टर्म में कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, x जब कॉमन निकालिए तो क्या बचा x, और दूसरे टर्म में क्या बचा प्लस 4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में 6x और प्लस 24 में क्या कॉमन निकाले प्लस 6 कॉमन निकाले, जब प्लस 6 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा x बचा, और 24 में से 6 बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4। अब इन दोनों टर्म में फिर कॉमन निकालिए, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिखता है x प्लस 4 कॉमन दिखता है, x प्लस 4 कॉमन आ गया तो पहले टर्म में क्या बचा x बचा, और दूसरे टर्म में क्या बचा 6 बचा, इसमें x प्लस 4 में से x प्लस 6 इंटू x प्लस 4 में x प्लस 4 बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ बस 6 बचा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थ्री क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट टर्म है उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 27 को प्राइम फैक्टराइज किए तो क्या आया 3, 9, 3 एन 3, 27 क्या में ब्रेक किया 3 इंटू 3 इंटू 3 में ब्रेक कर गया। ठीक है, अब इन तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर से आपको तो दो ही नंबर बनाना है। ठीक है, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, ऐड करने पे यहाँ पे प्लस आई ना, तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए प्लस 12 आना चाहिए। अब नंबर्स को अरेंज कीजिए, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 9, और इसको अकेले रख दें 3, तो 9 और 3, 9 और 3 ऐड करने पे 12 हो जाएगा। देखिए 3 और 3 9 मल्टीप्लाई करने पे 9 आ गया, और यहाँ पे एक लास्ट अकेले इसको रख दिए 3, तो 12 हो जाएगा। हम इसको क्या किए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27, 12 एक्स क्या ब्रेक कर गया 9 और 3 में ब्रेक कर गया। अब पहला दो टर्म में कॉमन निकालिए, एक्स कॉमन निकालें, एक्स जब कॉमन निकले तो पहले टर्म में क्या बचा एक्स बचा, और इसमें 9x में से एक्स बाहर आ गया तो कितना बचा 9 बचा। अब इन दोनों टर्म में फिर क्या कॉमन दिखता है, इन दोनों टर्म में 3 कॉमन दिखता है, प्लस 3 कॉमन दिखता है, तो 3x में अगर प्लस 3 बाहर आ गया तो क्या बचा x बचा, और 27 में प्लस 3 बाहर आ गया तो क्या बचा 9 बचा। ठीक है, आफ्टर दैट फिर इन दोनों टर्म में आपको कॉमन निकालना है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिखता है x प्लस 9 कॉमन दिखता है, जब इन दोनों टर्म में x प्लस 9 बाहर आ गया तो पहले टर्म में क्या बचा x बचा, और दूसरे टर्म में क्या बचा प्लस 3 बचा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस
फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे तीन और पार्ट इसमें आएंगे। टोटल चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए हैं। आपके बुक में क्या दिया है ना, आपके बुक में एक ही एक्सरसाइज में कंक्लूड करके दे दिया है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि दिस वीक, दिस फोर डेज पर्टिकुलरली इन दिस वीक, इसको हम क्या किए कि चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। कि पहले सिंपलर स्टेप से स्टार्ट करते हैं, पहले नॉर्मल क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे स्टेप्स को बढ़ाते चले जाएंगे। आप जो क्वेश्चन हम आपको आज भेजेंगे एज होमवर्क, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओनली दोज क्वेश्चंस, नॉट फ्रॉम योर बुक, आंसर्स भी रहेगा उन क्वेश्चंस का, आप उनको सॉल्व कीजिए। और इसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे, दोनों में जहाँ पे प्लस हो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आंसर चेक कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा, सम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, हम उन क्वेश्चंस को इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।